ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, मन मोर मचावै सोर सोर सोर, मचावै सोर सोर सोर, मन मोर मचावै सोर सोर सोर, मचावै सोर सोर सोर। धरती पे ऐसे ये आकाश फैला, मन मोर मचावे सोर सोर सोर, मचावे सोर सोर सोर, मन मोर मचावे सोर सोर सोर, मचावे सोर सोर सोर। मतबल तू मई का समझा दे, मतबल तू मई का समझा दे, है का बतला दे, काहे मतलब ये तू जाने रे, सब ऐसा होता है तब पिया प्रेम हो जब। हम ई का जान नहीं, हमरा प्रेम है पहला, मन मोर मचावै सोर सोर सोर, मचावै सोर सोर सोर, मन मोर मचावै सोर सोर सोर, मचावै सोर सोर सोर। नदर तेरा सजन कर दूर से मिलन का पे तन डोल मन, छूने से तू क्या हो जाए घर मेला, मन मोर मचावे सोर सोर सोर, मचावे सोर सोर सोर, जब जब हम तुमको देखे हैर छेला, ऐसा काहे को होवत हैर लैला, मन मोर मचावै सोर सोर सोर, मचावै सोर सोर सोर, मन मोर मचावै सोर सोर सोर, मचावै सोर सोर सोर। सभी दोस्तों को हमारा प्यार मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने अभी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में एक चंचल सा नगमा सुना, और अपनी पसंद के फिल्मी रंग में आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमें हरभजन सिंह चबड़ा साहब ने लिखा है। आप लिखते हैं, अंजुम निसार जी, बस सभी सामाइन को डोगरगंज से सभी का खैर मकदम करते हुए मोहब्बत व खलूस भरा सलाम नमस्कार। और उसके बाद आपने मोहम्मद रफ़ी और शमशाद बेगम की आवाज़ों में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, सुनवाते हैं आपको। अनीस साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। तेलंगाना से हीरा लाल रॉय साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने नमस्कार लिखा है। मोहम्मद आमिर साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। परवेज़ अहमद ख़ान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखे है। हमारे मुस्तकिल सामिया ये हैं फिराजत हुसैन साहब, आपने हमें सलाम लिखी है, लिखते हैं, आज हम
अपने दोस्तों की खूबसूरत पसंद सुनेंगे। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आशी इलाही साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं हाय सर, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। हरबनस सिंह चवड़ा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने दो गाना सुनना चाहा है। आज आप सबसे पहले प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। कुमार सुहेल साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार जी, और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। आपने अपने दोस्तों के नाम भी लिखे हैं इस कमेंट में, रोयम, रब्बू, सैम, अनीस और आपके बाकी दोस्त। प्रदीप बदा साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका खैर मकदम है। और हमारी एक मुस्तकिल बहन हर रोज़ प्रोग्राम में शामिल हैं। मुस्तकिल बहन का मतलब मेरा ये है कि ये हमारी मुस्तकिल सामियां हैं, और बहन तो वैसे मुस्तकिल ही होती हैं। और आपने लिखा है गुड इवनिंग अंजुम भाई, नमस्कार आदाब, आपका खैर मकदम करते हैं बहन अपने प्रोग्राम में। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, मोहम्मद आमिर साहब, आपने एक नगमे के बोल लिखे हैं, ये नगमा आप सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। रिहान आरिफ साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने लिखी है। हाजन से आप प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने लिखा है कि आपके साथ अस्मा जान और अमीना बेगम भी हैं। और सुनीत कुमार राज साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में एक नगमा। हरबन सिंह चबड़ा साहब ने इसकी फरमाइश की है। इस नगमे के साथ हम चंद दोस्तों को जोड़ते हैं, आप हैं अनीस साहब, हीरा लाल रॉय साहब, मोहम्मद आमिर, परवेज़ अहमद ख़ान, फिरासत हुसैन, आशी इलाही और एक बहन है इंदिरा मंगानी साहिबा, आपको भी इस नगमे में शामिल कर रहा हूँ। मोहम्मद आमिर साहब हैं और प्रदीप वदा साहब, रिहान अरीफ साहब, आप सबको भी मैं इस नगमे में शामिल कर रहा हूँ। सुनिएगा ये खूबसूरत सा नगमा। नरम नरम ओ दुनिया की हालत नरम नरम, हलवा छोड़ो पूरी छोड़ो भजिए खा लो गरम गरम, ओ दुनिया की हालत नरम नरम। तूने भी मुफ्त की खाई है, क्या तू भी मेरा भाई है, ओ क्या तू भी मेरा भाई है। मेरी ही तरह होगे मिस्टर, तेरे पिछले जन्म के कर्म करम, ओ मुन्ना पिछले जन्म के कर्म करम। ओ दुनिया की हालत नरम नरम, हलवा छोड़ो पूरी छोड़ो भजिए खा लो गरम गरम, दुनिया की हालत नरम नरम। भैया जा करके खेचो रिक्शा, ओ मुन्ना जा करके खेचो रिक्शा, मत देश पे अपने बोझ बनो, है ये ही हमारा धर्म धर्म, है ये ही हमारा धर्म धर्म। ओए दुनिया की हालत नरम नरम, हलवा छोड़ो पूरी छोड़ो भजिए खा लो गरम गरम, दुनिया की हालत नरम नरम। जाने में इंसान बिके तो आने में ईमान बिके, जान में इंसान बिके तो आने में ईमान बिके, एक आने में भगवान बिके, ऐ दुनिया वालों शेम शेम शेम, ऐ दुनिया वालों शर्म शर्म,
ओ दुनिया की हालत नरम नरम, ओ दुनिया की हालत नरम नरम, हलवा छोड़ो फूड छोड़ो भजिए खा लो गरम गरम। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नकबे आप हर रोज हमारे साथ सुनते हैं। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को, जहां गम का पता न था, जहां दुख की समझ न थी, जहां बस मुस्कुराहट थी, बहारें ही बहारें थी, कि जब सावन बरसता था तो उस कागज की कश्ती को बनाना और फिर डुबो देना बहुत अच्छा सा लगता था, और इस दुनिया का हर चेहरा बहुत सच्चा सा लगता था। चलो फिर ढूंढ लेते हैं उसी नादान बचपन को, उन्हीं मासूम खुशियों को, उन्हीं रंगीन लम्हों को। जोगिंदर सिंह बत्रा साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं प्यार और खलूस भरा सलाम वादा पंजुमनी साहब। साहब, अल्लाह से आपकी सलामती की दुआ करते हैं, सभी समाइन का दिल से खैर मकदम करते हैं। पसंदीदा नगमा आपने जो सुनवाने के लिए लिखा है वो है दो गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। खूबसूरत नगमा है ये, और आप विकासपुरी नई दिल्ली से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं, आपको हम ज़रूर आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे। राजुद्दीन खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं गुड़गांव हरियाणा से, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। हमारी बहन गंगा वंकर साहब अभी प्रोग्राम में शामिल हुई हैं, आप लिखते हैं हेलो सर जी, आदाब अर्ज नमस्कार। रियासत हुसैन सिद्दीकी साहब हमारे मुस्तकिल सामिया प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं जनाब अंजुम निसार साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आज एक शादी में हूँ, प्रोग्राम में हाजिरी लगाने आया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप एंजॉय कीजिए और हमारी तरफ से जो दुल्हा दुल्हन है उन्हें मुबारकबाद दीजिएगा। आकाश जावी साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं ओम सिया राम। और रामजी प्रसाद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सासामूसा गोपालगंज बिहार से आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आपने भी एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है लता और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। और हमारे एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं रियाज मीर साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में, उम्मीद करते हैं कि आप सबको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। अजस से हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हुए हैं लोन फारूक साहब, आपने सलाम लिखे है, वालेकुम अस्सलाम। नगमा सुनते हैं, दो गाना है ये मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, और इस नगमे को सुनवाने के लिए हमें लिखा है हमारे दोस्त, जी हाँ ये हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, आप हैं जोगिंदर सिंह बत्रा साहब। बहुत खूबसूरत नगमा आपने सुनवाने के लिए लिखा है, इस नगमे के साथ चंद दोस्तों का नाम मैं लेना चाहूँगा, आप हैं रिजवान मीर साहब, मोहम्मद आमिर साहब, जावेद खान साहब, और हैं वानी राही साहब, एक और दोस्त हैं ये हैं रियाज मीर साहब। तो आप सभी के लिए ये खूबसूरत नगमा। दोस्तों, हमने इससे पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्रामों के हवाले से, बल्कि हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी जो राय है उससे आप हमें ज़रूर नवाजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नशर हो, तो उसके लिए हमें आपकी आरा और आपकी तजावीज़ की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर नवाजा करें। हमें नहीं है सभी, हमें नहीं है सभी लाजवाब कहते हैं। नजर मिला के मेरे दिल की बात कहे जान, सुना है चेहरे को, सुना है चेहरे को दिल की किताब।
भूल भी तुझको। दोस्तों, आपने दो गाना सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। अपनी पसंद की फिल्मी नक में आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया न करो, आंसुओं को बहुत समझाया कि तन्हाई में आया न करो, महफिल में हमारा मजाक उड़ाया ना करो। इस पर आंसू तड़प कर बोले, इतने लोगों में भी आपको तन्हा पाते हैं, इसलिए तुम्हारा साथ देने चले आते हैं। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं सुनीत कुमार राय साहब। आप लिखते हैं, आपकी आवाज़, आपका प्रोग्राम सुनकर दिल में और आत्मा को बहुत सुकून मिलता है। आपकी आवाज़ दुनिया के तनाव से दूर ले जाती है, सच मानिए दिल को बहुत सुकून मिलता है। आपके प्रोग्राम में फरमाइश किए सभी दोस्तों के गीत सुनकर सच कहूँ तो आपने सर मुझे मोहब्बत करना सिखा दिया है। आपकी आवाज़ जीने की चाहत बढ़ाती है, कसम से यकीन मानिए। और उसके बाद आपने आज एक नगमे की फरमाइश भी की है, हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और आपने कुछ नाम भी लिखे हैं अपने इस कमेंट में, तो ये हैं करण, रघुवर कुमार सोनी गोपाल गंज बिहार से, नितिन वर्मा बलमोर यूपी से, और हैं सलिंदर सुमन उत्तराखंड से, और नवनीत है शाहजहानपुर यूपी से, और रामा सिंह सीतापुर उत्तर प्रदेश से। उसके बाद आपने शुक्रिया लिखा है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ इस हद तक मोहब्बत करते हैं कि आपको सुकून मिलता है हमारे इस प्रोग्राम से। बस अगर ऐसा है तो हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो नगमा सुनवाने के लिए हमें लिखा है, हम ज़रूर आपके लिए वो नगमा पेश करेंगे। हमारी एक बहन प्रोग्राम में शामिल हैं, जी हाँ, ये भी हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है तो हम ज़रूर आपके लिए आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे। जी हाँ, ये हैं इंदिरा मंगानी साहिबा, नई माँ। जी हाँ, इस फिल्म से आपने एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में,
हम ज़रूर आपके लिए नगमा पेश करेंगे। और बाकी सभी दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप प्रोग्राम में बने रहें, हम कोशिश करेंगे कि सभी दोस्तों की फरमाइश पूरी हो। फिलहाल हमारी बहन के लिए उनकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। अचंबा देख के हम तो रह गई हक्का बक्का, एक अचंबा देख के हम तो रह गई हक्का बक्का, हमसे गिर का हाथी नीचे चींटी मार से धक्का, हमसे गिर का हाथी नीचे चींटी मार से धक्का, हथिया करत है बजरिया माँ पुकार बबुआ, वो हथिया करत है बजरिया माँ पुकार बबुआ, तू रुपया पढ़ो भाई जो पलसार बबुआ, छोटी सी रजिया एक हमार बबुआ। गीदड़ बन का बन कह राजा शेर बना चपरासी, गीदड़ बन का बन कह राजा शेर बना चपरासी, बिल्ली खाला करे बजारत बनी शेर मी दासी, बिल्ली खाला करे बजारत बनी शेर मी दासी, कैसा बदला सारा जग का कारोबार बबुआ, तुम्हें छोटी सी रजिया एक कमार बबुआ। रोज का जिक्र सुनाऊं लगी नदी में आग, एक रोज का जिक्र सुनाऊं लगी नदी में आग, ढोल बजावे मछरी सारी मगर न छेड़ा राग, ढोल बजावे मछरी सारी मगर न छेड़ा राग, गावे चरद चरद गावे चरद चरद मैंड की मलाड बबुआ, तू रुपया पढ़वाए तो पगार बबुआ, दोस्तों अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज हमारे साथ सुनते हैं और हमारे जो सामीन होते हैं मुख्तलिफ अंदाज की पसंद उनके होती है और यहाँ पे हमें जब बाकी सामीन की जो मिली जुली पसंद होती है वो सुनने को मिलती है, हमें भी आनंद मिलता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको भी बहुत आनंद आ रहा होगा। जिसने देखा ही ना हो अश्कों की बरसात का मौसम, जिसने देखा ही ना हो अश्कों की बरसात का मौसम, वो शख्स क्या जाने दर्द की लज्जत क्या है। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं रफ़ी रहमान साहब, आप लिखते हैं जनाब अंजुम निसार साहब बेशुमार यादों के साथ आपको अस्सलाम वालेकुम। आगे आप लिखते हैं किसी अलहर दोशीज़ा की तरह उठाती बलखाती हुई ट्रेन अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी, सारे मुसाफिर एसी कंपार्टमेंट में अपने बर्थ पर नींद की आगोश में जा चुके थे, मैं इंतज़ार कर रहा था आपकी फरमाइश प्रोग्राम का जिसकी आवाज़ सुनकर कलब को राहत और सुकून मिलता है। खैर वो घड़ी भी आ गई और बेहद सुरली आवाज़ कानों से टकरा गई, यकीनन ये आवाज़ अंजुम बाई की थी। घर से मैं सफ़र में निकल चुका हूँ अपनी ड्यूटी के लिए, सफ़र के दौरान आप सबके खूबसूरत गीत से लुत्फानंदोज हो रहा हूँ, दुआ करें कि मैं मंजिल मकसूद तक पहुँच जाऊँ, आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त कि आप सफ़र के दौरान भी हमारे इस प्रोग्राम को सुनते हैं, हमें याद करते हैं, हमारे बाकी जो सामीन हैं उन्हें याद करते हैं। और बस यही कहूँगा कि आप इस प्यार और मोहब्बत को हमेशा बनाए रखिएगा। रहा सवाल कि हम आपके लिए दुआ करें, बस आप इसी तरह से वो जो प्यारे प्यारे गीत हैं हमारे सुनने वाले जो यहाँ पे सुनते हैं उन्हें सुनते सुनते आप बिल्कुल आराम और बहुत ही सुकून के साथ अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाएँ, ये हमारी दुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर करता हूँ, आप हमारे
मुस्तकिल सामिया हैं, हर रोज़ आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, इन्होंने एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए लिखा है। ये हैं सुनीत कुमार राय साहब। तो हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे। बाकी जो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं जो अभी अभी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं कमल शर्मा साहब खागरपुर से, प्रकाश देशपांडे साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, नमस्कार आपने लिखा है, और ससुराल फिल्म से आपने नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, बने रहें प्रोग्राम में। एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं मोहम्मद सबीर लोन साहब, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और एक ये जो मोहम्मद सबीर साहब हैं, ये गुरेज से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका हम खैर मकदम करते हैं। मोहम्मद सुल्तान साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने भी सलाम लिखी है, आप मरकूट गुरेज से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं रजाउद्दीन खान साहब, आप लिखते हैं, आपकी आवाज़ बिल्कुल ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस अनाउंसमेंट जैसी है, लग रही है। और आगे आप लिखते हैं, और लगता है हम उर्दू सर्विस के प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, और यकीनन ये आप लोगों का प्यार है, मोहब्बत है, और जैसा आप मुझे इज़्ज़त देते हैं, आप मेरी हौसला अफज़ाई करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं, आप लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मोहम्मद यूनुस खत्री साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं, अंजुम भाई आदाब और सलाम, और आप जो हैं आप MP से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से। सिबगत ज़ियावार साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम, और आप भी एक नगमा सुनना चाहते हैं, बने रहें प्रोग्राम में। वैसे आपने लिखा है कि कुमार सानू की आवाज़ में कोई भी नगमा, तो फिलहाल जो है हम नगमा सुनते हैं। सुनीत कुमार राय साहब ने इसकी फरमाइश की है। इस नगमे के साथ में चंद दोस्तों का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, आप हैं प्रदीप वदा साहब और हकीम तारिक साहब, मोहम्मद यूनुस खत्री साहब, प्रकाश देशपांडे साहब, बीरेंद्र भगत साहब, मोहम्मद यूनुस खत्री साहब, गणेश प्रसाद हुजदर साहब, हीरालाल रॉय साहब, और हमारे एक मुस्तकिल सामिया जो इस वक्त ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, वो हैं रफ़ी रहमान साहब। आप सब के लिए ये खूबसूरत सा नगमा। कोई भी
दोस्तों आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। उसके सिवा कोई मेरे जज्बात में नहीं, उसके सिवा कोई मेरे जज्बात में नहीं, आंखों में वो नमी है जो बरसात में नहीं, आंखों में वो नमी है जो बरसात में नहीं, पाने की उसे कोशिश बहुत की मगर, पाने की उसे बहुत कोशिश की मगर शायद वो लकीर अब मेरे हाथ में नहीं। मनोज जेठवा साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अंजुम जी आप सिर्फ तारीफ पर ही कॉमेंट्स पढ़ते हैं, शिकायत तो नज़रअंदाज कर जाते हैं कि साथ कटे भी होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ी सी शिकायत की, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा शिकायत करते तो ज़रूर उसके बावजूद भी मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमारे प्रोग्राम के हवाले से जो आपकी राय है वो ज़रूर लिखें। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जिन्होंने तारीफ़ें की होती हैं वो कमेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, बल्कि आप लोग अगर खुदा ना करे अल्लाह ना करे गालियाँ भी दें तब भी हम आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ेंगे। और आपने ऐसा क्यों लिखा, खैर ये तो आप ही समझ सकते हैं, पर हम इतना कहेंगे कि जेठवा साहब अगर हमें कुछ भी कहें, कुछ भी यहाँ पे लिखें, हम ज़रूर पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरफ भी हमारा ध्यान दिलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रकाश रामभाड़े साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। यासिर सजाद साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और खिलू परवेज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। हमारे मुस्तकिल सामिया ये हैं बीरेंद्र भगत साहब, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने इस प्रोग्राम में। हरभजन सिंह चबड़ा साहब लिखते हैं, अंजुम जी सभी किस्म के नगमे सिर्फ कश्मीर कन्वीनर में आपके प्रोग्राम में ही मिलते हैं। बिल्कुल आप लोगों की पसंद ही इस तरह की होती है, मुख्तलिफ अंदाज के जो हमारे यहाँ पे सामाइन हैं, मुख्तलिफ उनकी टेस्ट है, पसंद है उनकी, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सभी दोस्तों की जो फरमाइश है वो यहाँ पे हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए से उन तक पहुँचे, नशर हो, और जिसके सुनकर बाद में बाकी लोगों को भी आनंद आता है, क्योंकि वो भी यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ जो नगमे होते हैं, अलग अलग किस्म के जो फिल्मी नगमे होते हैं वो सुनते हैं, तो उन्हें भी आनंद मिलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, हकीम तारिक साहब, आपने एक खूबसूरत सा नगमा सुनवाने के लिए हमें लिखा है संगम फिल्म से, ज़रूर आपके लिए हम नगमा पेश करेंगे। और मेरी आप लोगों से एक बार फिर से गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल आपके मन के मुताबिक यहाँ से नशर हो, और उसके लिए हमें आपकी जो राय है कीमती वो चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि आप ज़रूर हमें जो है अपनी कीमती राय से नवाजेंगे। इंतज़ार अंजुम साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अंजुम निसार साहब वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। और रफ़ी रहमान साहब लिखते हैं, जनाब अंजुम निसार साहब बेशुमार यादों के साथ आपको अस्सलाम वालेकुम, सफ़र में हूँ। और बिल्कुल आपने इससे पहले भी हमें कमेंट लिखा था, हम पढ़ चुके हैं आपका कमेंट। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप सही सलामत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचें। और कई सारे दोस्त आज हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। नगमा सुनते हैं, संगम फिल्म से नगमा है, शंकर जयकिशन की मौसिकी है, शैलेंद्र के बोल हैं, और ये नगमा जो है लता मंगेशकर, मुकेश और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में है। हकीम तारिक साहब ने इसकी फरमाइश की है, तो दोस्त ये रही आपकी पसंद। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। Thank you.
आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं, चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं, ओ जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सबने कह ली लेकिन हम चुपचाप रहे, दर्द पराया जिसको प्यार वो क्या अपनी बात कहे, खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे, ओ अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, हर दिल को प्यार करेगा। तुम रूठ जाओ मुझसे ऐसा कभी न करना, तुम रूठ जाओ मुझसे ऐसा कभी न करना, मैं एक नजर को तरसूं ऐसा कभी न करना, मैं पूछ पूछ हारूं सौ सौ सवाल करके, मैं पूछ पूछ हारूं सौ सौ सवाल करके, तुम कुछ जवाब न दो ऐसा कभी न करना, मुझसे ही मिल के हंसना मुझसे ही मिल के रोना, मुझसे ही मिल के हंसना मुझसे ही मिल के रोना, मुझसे बिछड़ के जियो ऐसा कभी न करना, तुम चांद बन के रहना मैं देखता रहूँगा, तुम चांद बन के रहना मैं देखता रहूँगा, किसी रोज़ तुम न निकलो ऐसा कभी न करना, तुम चले जाओ जब भी देखो तुम्हारा रास्ता, तुम चले जाओ जब भी देखो तुम्हारा रास्ता, तुम लौट के ना आओ ऐसा कभी न करना। अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। जयप्रकाश सक्सेना साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अंजुम साहब नमस्ते, ये प्रोग्राम और आपकी आवाज़ सुने बिना अच्छी नींद नहीं आती, आज एक नगमा सुनाइए
याराना फिल्म का कोई भी नगमा। आप लिखते हैं कि आपके साथ इस वक्त कुछ दोस्त हैं जो ये नगमा सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, कोशिश करेंगे सुनवाने की, बने रहें प्रोग्राम में। और एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं इब्राहिम खान साहब। आप कर्नाटक से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, बीजापुर कर्नाटक से आप हैं डॉक्टर इब्राहिम खान साहब। लिखते हैं अंजुम निसार जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप हमारी पसंद पूरी नहीं करते क्यों? आज आपने नगमा सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, हम ज़रूर आपके लिए ये नगमा पेश करेंगे। और हो सकता है कभी हमने आपकी पसंद का नगमा यहाँ पे वक्त पे आपके लिए प्ले नहीं किया हो, आपके लिए पेश ना किया हो। उसकी वजह सिर्फ ये रही होगी कि हमारे पास जो है वक्त जो है वो हमारे पास सिर्फ एक घंटे का होता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम सभी दोस्तों की फरमाइश जो है वो एक ही प्रोग्राम में पूरी नहीं कर पाते हैं। और कुछ दोस्त हैं जो हमारे जिनमें ये कह सकते हैं कि बर्दाश्त की कमी होती है और वो नाराज़ होते हैं या फिर प्रोग्राम छोड़कर चले जाते हैं। बट हमारे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत ही जिनका वो कहते हैं ना कि उनका दिल जो है वो बहुत बड़ा है, वो रुकते हैं प्रोग्राम में और इंतज़ार करते हैं और हम उनको उनकी पसंद का नगमा ज़रूर सुनवाते हैं। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आप हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं, इज्जत बढ़ाते हैं, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इब्राहिम खान साहब, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नई रोशनी फिल्म से एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, खूबसूरत नगमा है ये, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और आज के प्रोग्राम में भी बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो पहली बार प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सभी दोस्तों का हम दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। मोहम्मद जलील शेर खान साहब प्रोग्राम में शामिल हैं, लिखते हैं अंजुम निसार साहब सलाम और आदाब। उसके बाद बदलते रिश्ते फिल्म से आपने एक नगमा सुनवाने के लिए लिखा है, कोशिश करेंगे सुनवाने की, बने रहें प्रोग्राम में। और हमारे दोस्त मनोज जेठवा साहब लिखते हैं, अंजुम जी आप हर बात शिकायत को पढ़कर बड़ी चतुराई से अनजान बने रहते हैं, आज मैंने शिकायत की है, समय मिला तो आज के प्रोग्राम को ज़रूर देखें और मेरी शिकायत पढ़ें, हम तो रोज़ प्रोग्राम में शामिल होते हैं, जवाब ज़रूर देंगे तो मेहरबानी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहा सवाल चतुराई का, तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त मेरे भाई, हाँ ऐसा ज़रूर है कि हम जो हमारे दोस्तों की फरमाइश है वो हो सकता है कि किसी दोस्त की फरमाइश वक्त पे पूरी नहीं हो, तो उसकी वजह भी आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। कोशिश करूँगा कि आज के बाद आप जैसे जो दोस्त हैं कि उन्हें शिकायत का मौका ना मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ इस हद तक मोहब्बत करते हैं कि हमारी ज़रा ज़रा सी बात भी आपको आपके दिल को लगती है, आपके दिल पे ठेस पहुंचती है, उससे हम आपसे माजरत चाहते हैं इस बात के लिए। और एक दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, सईद दानिश मुश्ताक साहब, सलाम आपने लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं, दोस्त चला गया छोड़कर एक सॉन्ग डेडिकेट करना था और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं, तो हमारी तो बस ये दुआ है कि अगर दोस्त आपके सही हों, सही मानों में जैसे दोस्त कह सकते हैं, वो आपको कभी छोड़ कर नहीं चले जाएंगे। खैर, अपनी तरफ से आप दोस्ती निभा रहे हैं, मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो लौट के आए आपका वो दोस्त जो भी हैं। कोशिश करेंगे आपको नगमा सुनवाने की, आप बने रहें प्रोग्राम में। फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनवाते हैं डॉक्टर साहब को, और ये कर्नाटक से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हैं, इन्होंने नगमे की फरमाइश की है, तो इब्राहिम खान साहब ये रही आपकी फरमाइश। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो, किस तरह
तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो। सुना है रेत पर चल के तुम अक्सर मुस्कुराते हो, सुना है रेत पर चल के तुम अक्सर मुस्कुराते हो, कहो तो आपकी बार मैं जमीन की धूल बन जाऊं। नगमा आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत नगमा था ये। और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज़ रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम जो है ये किसी हद तक पसंद आ रहा होगा। और एक दोस्त हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं, ये क्या नाम है इनका, प्रदीप भट्टाचार्य साहब, ये हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। शिव प्रसाद देवदास साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, लिखते हैं अंजुम निसार आदाब। और उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं, महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में, वो कौन थी फिल्म से ये नगमा है। आप शिव प्रसाद देवदास हैं बस्तर छत्तीसगढ़ से, आपका हम खैर मकदम करते हैं दोस्त। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, हम ज़रूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे। इंतज़ार अंजुम साहब लिखते हैं, हमें भी किसी नगमे में शामिल कर लें अंजुम निसार भाई, ज़रूर मेरे दोस्त। और एक और दोस्त प्रोग्राम में शामिल हैं, ये हैं इम्तियाज़ शेख साहब। आप लिखते हैं, जनाब आपके प्रोग्राम का टाइम 9:30 से 10:30 बजे तक होना चाहिए। आपका जो ये आपकी राय जो है, ये हमारे जो इस प्रोग्राम के बाकी दोस्त हैं जो इस प्रोग्राम को चलाते हैं उन तक पहुंच चुकी है।
तो अगर इस पे कोई फैसला लिया जाता है ज़रूर आपको बताएंगे। इरफान शाह साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। नगमा सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। इस नगमे को सुनवाने के लिए हमारे एक दोस्त ने लिखा है, ये भी हमारे मुस्तकिल सामजा हैं, हर रोज़ आप ही प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जी हाँ, और आप हैं मोहम्मद यूनुस खत्री साहब। खूबसूरत सा नगमा आपने सुनवाने के लिए लिखा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, चूमंत्र फिल्म से। और हीरालाल रॉय साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, जय प्रकाश सक्सेना साहब शामिल हैं। आपने लिखा है कि अंजुम साहब नमस्ते, ये प्रोग्राम और आपकी आवाज़ सुने बिना अच्छी नींद नहीं आती। इस ये कमेंट आपका जो है ये मैंने इससे पहले भी पढ़ा था, एक बार फिर आपने लिखा। तो आपने एक नगमे की फरमाइश की है, तो कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की, बने रहें प्रोग्राम में। मंजूर परेश साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम है। इब्राहिम खान साहब, डॉक्टर इब्राहिम साहब लिखते हैं, अंजुम निसार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जो है हम नगमा सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इस नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है मोहम्मद यूनुस खत्री साहब ने। तो इस नगमे में चंद दोस्तों का नाम मैं शामिल करूंगा, आप हैं मंजूर परे साहब और हमारे अंजुम साहब। जी हाँ, ये हैं इंतज़ार अंजुम साहब, आप भी इस नगमे को सुनिएगा। इम्तियाज शेख साहब हैं, आप भी इस नगमे को सुनेंगे। प्रदीप भट्टाचार्य साहब हैं और हैं एक और दोस्त, इन्हें भी मैं इस नगमे में शामिल करूंगा, आप हैं शिव प्रसाद देवदास साहब। सुनिएगा ये खूबसूरत सा नगमा। हमको न तुम मिटा देना, तुम्हीने दर्द दिया, तुम्हीने दर्द दिया है, तुम्हें दवा देना गरीब जान के। चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए लगी है, चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए तड़प रहे हैं मोहब्बत में नजर के लिए। नजर मिला के मोहब्बत से मुस्कुरा देना, तुम्हीने दर्द दिया है, तुम्हें दवा देना गरीब जान के। जो हो सके तो मुकद्दर मेरा जगा देना, तुम्हीने दर्द दिया है, तुम्हें दवा देना गरीब जान के। कभी तो अपनी मोहब्बत का आसरा देना, तुम्हीने दर्द दिया है, तुम्हें दवा देना गरीब जान के।